महाराष्ट्र में 4 लाख आदिवासियों ने एफआरए के क्लेम लगाए हैं, 2 लाख क्लेम इसमें से रिजेक्ट हो गए हैं, वापस कर दिए गए हैं। पूरे देश में 22 लाख आदिवासियों की जमीन पे क्लेम है, वो नकार दी गई है। तो आपका जमीन पे जो आपका हक है वो कमजोर किया जा रहा है। मुझे मालूम है कि यहाँ पे उस सिकल सेल अनीमिया जो है उसकी वजह से काफी परेशानियां हैं आपकी। महाराष्ट्र में 16,000 से ज्यादा मरीज और ज्यादातर आदिवासी समुदाय के हैं, 4,000 मरीज अकेले गढ़चिरौली के हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। ये बड़ी बड़ी बातें जो मोदी जी उनके मंत्री जी करते हैं आपके सामने, ये सिर्फ बातें ही रह गई। स्वास्थ्य की बात है, शिक्षा की बात है, बेरोजगारी की बात है, महंगाई की बात है, तो कोई काम नहीं हो रहा है। मैंने देखा और बहुत दुख हुआ ऐसे देख के कि मेरे एक आदिवासी भाई अपने बेटे की लाश को 15 किलोमीटर हाथों में लेके चले। अब आप सोचिए बहने, हम सब माँ हैं, सबके बच्चे हैं, आप सोचिए कि किसी पे कि ऐसी परिस्थिति बन गई, इतनी मुश्किलें लद गई उन पर कि उनकी ये परिस्थिति बनी कि ना एम्बुलेंस मिल रही है, ना स्वास्थ्य की कोई सेवा मिल रही है, अपने बच्चे की लाश को 15 किलोमीटर हाथ में उठा के चल रहा है। और मोदी जी कहते हैं तब सरकारें और थी, आज मोदी है। हाँ, आज मोदी जी हैं और ये परिस्थितियां हैं आपकी, ये समस्याएं हैं, इतनी गहरी, इतनी गंभीर कि सामना कर नहीं पा रहे हैं आप। घबराहट हो रही है, कल फिर से हम जाएंगे काम करेंगे खेती में, क्या पता कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे, ये परिस्थितियां बन गई हैं आपकी।